अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम इस हब को बफ़ करने का आपको तरीका बताएंगे कि आप इसको बिल्कुल नए जैसा किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों हब की कंडीशन कुछ आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये रस्टी हब हो चुकी है। अब हमने इसको बिल्कुल नए जैसा करना है। नए जैसा करने के लिए सबसे पहले हमने इसके ऊपर ये जो ब्रेक पट्टी लगी हुई है ये भी खोल लेनी है, और ये नट जो है ये भी खोल लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको बफ़ करेंगे। बफ़ करने का तरीकाकार क्या है वो इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसको पानी के साथ या पेट्रोल के साथ वॉश कर लेना है, उसके बाद इसको बफ़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो टूल हैं जिनके साथ हमने इस हब को बफ़ करना है। मैंने इसकी ये खोल लिया है ब्रेक कैम, ठीक है। अब हम जो है इसको कपड़े से पहले साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद जो है सबसे पहले हमने ये वायर वाला ब्रश होता है इसको यूज़ करना है। तो इसको हम यूज़ करते हैं दोस्तों ये सान मशीन पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसको सान पे कसते हैं और बफ़ करना शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों ये हमारी सान मशीन है, इसमें हमने सबसे पहले ये वाला ब्रश जो है वो टाइट करना है। तो साफ कर लें कपड़े के साथ। अब हमने इस मशीन को चला लेना है। तो दोस्तों कुछ हब की कंडीशन इस तरीके से हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर जो ब्रश जो है वो नहीं जा रहा, तो इसको जो है रेगमाल से साफ़ करेंगे, उसके बाद हम जो है आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हमने रेड डिस्क को यहाँ पे ऐड कर देना है। दोस्तों इस डिस्क का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमने जहाँ जहाँ पे
डिस्क नहीं पहुंच पाती, वहाँ से हमने रेगमार से साफ करना है। दोस्तों इस डिस्क को इस्तेमाल करने के बाद कंडीशन कुछ ऐसी है। अब हमने इस डिस्क को भी खोल लेना है। जी तो दोस्तों बफ करने के बाद आप देख सकते हैं हब की कंडीशन कैसी हो चुकी है। दोस्तों पहले किस तरह की लग रही थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।